हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ प्लाजो की कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। तो मैंने इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लिया है। बैक साइड को हमने 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस फैब्रिक के ऊपर नीचे वाला जो बॉर्डर है नेट वाला ये लगा हुआ था, तो मैंने इस फैब्रिक को इस बॉर्डर को हटा दिया है। प्लाजो पूरा बनने के बाद इसको हम अपने पोंचे के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा कम करते हुए अटैच करेंगे, तो ऐसे जिसकी लेंथ हमारे पास 3.5 से 4 इंच आ जाएगी। तो सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। खुली हुई साइड मेरी तरफ है और बंद हुई साइड आपकी तरफ है। तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अब हम उसके बाद जी देखिए जी, हमने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट को। तो अब हम जहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे, जी हम फुल लास्टिक वाला प्लाजो बना रहे हैं तो हमने 2 इंच का निशान ऊपर लास्टिक के लिए लगाया है। और जो किनारी वाली साइड है वो मेरी तरफ है। किनारी से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक कट कर लेंगे। जो हमारी किनारी है उसको मैंने कट कर लिया है। और जो हमारा कॉटन का फैब्रिक है, इसको फैब्रिक को मैंने वॉश करने के बाद ही इसकी कटिंग की है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे पास हिप है, हिप हमारे पास 21 इंच है, तो 21 इंच में हम 4 इंच प्लस करते हुए यानी कि हमारे पास 25 इंच आएगा। 25 इंच का हाफ हम 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। और इसको इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे 11.5 इंच। और जहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे एक शेप देंगे। और उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे, क्योंकि इसके नीचे हमने बॉर्डर भी अटैच करना है। तो हम जहाँ पर जी देखिए जी, हमारे पास बॉर्डर है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ है हमारे पास रह जाएगी 5 से 5.5 इंच की लेंथ रह जाएगी। तो हम 5.5 इंच अपने लेंथ में से कम करते हुए लेंगे, यानी कि हम 33 इंच पर निशान लगाएंगे, 34 इंच पर। और जहाँ पर हमारा बॉर्डर इस तरह से जो अटैच हो जाएगा जी देखिए ऐसे। और इसके बाद इसकी लेंथ को हम मेज़र करते हैं। ये देखिए 37.5 इंच लेंथ चाहिए हमें, तो हमारे पास वो 37.5 इंच आ रहा है। अब हम जहाँ से इसका हाफ कर लेंगे 6.2 इंच और इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद दोनों साइड हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और इस तरह से तरफ से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और जहाँ से भी इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और नीचे से भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको कट कर लिया है। जहाँ पर हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हम एक शेप देंगे। डेढ़ इंच का गैप लेते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम शेप पट्टी की हेल्प से इस तरह से शेप देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। और अगर आप हमारे तरीके के साथ प्लाजो स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे, तो आपकी जो सिलाई है वो कहीं से भी घूमेंगे नहीं और ना ही आसन में कोई खिंचाव आएगा। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है।
जो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से जो हमारे प्लाजो की कटिंग हो चुकी है, अब हम उसके बाद फ्रेंड्स इसकी लाइनिंग आपको कट करना बताएंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने लाइनिंग को ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को ऐसे रखते हुए लाइनिंग को कट कर लेंगे। जी देखिए ऐसे, सेम वैसे इसकी कटिंग करनी है जैसे हमने प्लाजो की कटिंग की है, और जहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट इससे एक्स्ट्रा लेते हुए इसको लाइनिंग को कट करेंगे, क्योंकि लाइनिंग हमारी नीचे टाइट नहीं रहनी चाहिए। देखिए ऐसे जो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, उसके बाद हम लाइनिंग को फिर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऐसे रख लेंगे। और जहाँ से इसको कट कर लेंगे, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने लाइनिंग को कट कर लिया है। और अब हम आपके साथ इसकी स्टिचिंग शेयर करेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम, जी देखिए ये वाला पैच को हम बाद में अटैच करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले अपने प्लाजो के जो आसन है उनको स्टिच करेंगे। जो हमारी लाइनिंग है उसको हमने स्टिच करना है। ये देखिए ऊपर हमारे मेन पार्ट है, नीचे हमारे लाइनिंग वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम आसन से इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इसको कटिंग के टाइम रखा था वैसे ही रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। ऐसे रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इस सिलाई को हम डबल करेंगे। जी देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई डबल हो चुकी है, जब इसको हम ऐसे खोलेंगे तो हमारी सिलाई है वो अंडरग्राउंड आएगी। जी देखिए ऐसे, अब हम जहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके साथ जो हमारी लाइनिंग है अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो हमने दोनों साइड इस तरह से लाइनिंग को अटैच कर लेना है। तो इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे और हमारी लाइनिंग है वो अटैच हो जाएगी। और नीचे हमने बाद में इसे फोल्ड करना है, और दूसरी तरफ से भी हम लाइनिंग को सेम इसी तरह से अटैच करेंगे। जी देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है, और उसके बाद लाइनिंग को हम बाद में इस तरह से नीचे से फोल्ड करेंगे। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हमने, बैक पार्ट में भी हमने इसी तरह से लाइनिंग को अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसके आसन को इस तरह से अटैच कर लेंगे जैसे हमने फ्रंट वाले आसन को अटैच किया है। और इस सिलाई को भी हम डबल करेंगे, और जहाँ पर हम फ्रंट वाली साइड के ऊपर पॉकेट अटैच करेंगे ऊपर से हम 5.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से 5.5 इंच के ऊपर कट ला लेंगे जहाँ पर हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम एक तरफ से खोलते हुए ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जहाँ पर हम कट लगा लेंगे, और उसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जी देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद जहाँ से हम फिर से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे।
और उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके नीचे सिलाई लगाएंगे पॉकेट के ऊपर। अब हम पॉकेट को सीधा करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स से हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाकर पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसके ऊपर जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसको इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से हम स्टिच करेंगे। नीचे से हमने स्टिच करना स्टार्ट करना है, ये देखिए। नीचे से भी हमने जो हमारी लाइनिंग है उसको हमने फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लाइनिंग को अटैच करेंगे, थोड़ी साइड वाली सिलाई लगाएंगे। जी देखिए ऐसे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स हम इसका जो लास्ट है उसको अटैच करेंगे। अब हम लास्टिक के अटैच करने के लिए इसके ऊपर हम ब्रिक सा इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। जी देखिए ऐसे हमने थोड़ा सा फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। और अब हमने इसके ऊपर लास्टिक अटैच करना है। तो फ्रेंड्स मैंने ये 15 इंच का लास्टिक लिया है और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से लॉक कर लेंगे और जहाँ पर हम लास्टिक को इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लास्टिक के ऊपर नहीं लगानी, फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हम लास्टिक को खींचते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है लास्टिक अटैच करने का। किस तरह से हम दोनों हाथों से खींचते जाएंगे जो हमारा लास्टिक है वो अपने आप एडजस्ट होता जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी सिलाई लग चुकी है हम लास्टिक को अच्छे से खींच लेंगे। खींचने के बाद दोनों हाथों से इस तरह से इसके बीच हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारे बल है लास्टिक के वो हमने अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारा लास्टिक अटैच हो चुका है उसके बाद हम नीचे से हमने वो नेट वाला बॉर्डर अटैच करना है। तो हम एक एक इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे निशान लगाने के बाद जो हमारी जेवली लेस है इसको हमने अटैच करना है। जो लेस की रॉन्ग साइड है वो ऊपर है, सीधी साइड हमने नीचे रखी है। तो जहाँ से हम हल्का सा फैब्रिक फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से हम हल्का सा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और
ऐसे जो हमारी लेस है वो अटैच होती जाएगी। और उसके बाद हम इसको हम ऐसे रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेंगे और हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी लेस लग चुकी है, अब हमें नीचे ये वाला बॉर्डर अटैच करना है। तो ऊपर से जो मैं नेट कट कर लूँगी क्योंकि मुझे नीचे वाला बॉर्डर इसके ऊपर अटैच करना है। और इसको हमने अटैच करना है अपनी लेस के ऊपर। रॉन्ग साइड को हमने ऊपर रखना है, सीधी साइड को हमने नीचे रखना है। तो नीचे इसकी सीधी साइड है और ऊपर हम रॉन्ग साइड को रखेंगे। तो इस तरह से हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारा नेट है उसको कट कर लेंगे। तो ऐसे जो सिलाई लग चुकी है, अब इसको हम इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो हमारा जी देखिए पैच अटैच हो चुका है। अब हम इसके ऊपर सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद जितना हमें पोंचा तैयार रखना है उसका निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने 8 इंच पोंचा तैयार रखना है तो हम इस तरह से निशान लगा कर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये प्लाजो बनकर रेडी हुआ है। और जहाँ से आप एक बार इसकी लेंथ देख लीजिए, हमें 37.5 इंच लेंथ चाहिए थी तो 37.5 इंच लेंथ बनकर रेडी हो चुकी है। दोनों साइड मैंने इस तरह से पेज को कट करते हुए बाद में स्टिच किया है। अगर आपको हमारे जो प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके के साथ आपको प्लाजो की कटिंग करना बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।